These organs of the United Nations promote human rights and work on health, education and related areas around the world. There are five regional commissions. These commissions look at how far United Nations programmes are going on. The economics and social councils also help people suffering from natural calamities in any part of the world ठीक economics and social जो council ये भी एक united nations का एक क्या है organs है आप यूनाइटेड नेशन के जो ऑर्गन है वो उनमें से आ, एक ये भी है इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो भी 1945 में जब यूनाइटेड नेशन का हुआ था तभी इसका भी आ, बनना स्टार्ट हुआ था तो इसमें उस टाइम जो अगर इसका हम सोशल काउंसिल का अगर हम मेंबरशिप की बात करें तो इसमें सबसे पहले उससे पहले जिस टाइम ये बना था 1945 में उस टाइम इसमें एटीन मेंबर्स ही था मेंबरशिप की अगर हम बात करें तो इसमें 18 ही मेंबर्स था इसके बाद 1965 में इसका मेंबर्स एटीन से बढ़ा के ट्वेंटी हुआ इसके बाद नाइनटीन में ट्वेंटी सेवन से बढ़कर फिफ्टी फोर हुआ वो अभी तक इतना ही है फिफ्टी फोर टिल नाउ अभी तक इसमें फिफ्टी फोर ही मेम्बर्स है अब यूनाइटेड नेशन के अंदर आप देखें तो उसमें हमें पता है जब पहले बना था उसमें जो जो मेंबरशिप का जो इंटर कैपेसिटीज था वो बहुत कम था इसके बाद आस्ते आस्ते इसमें थोड़ा सा वेरिएशन आके या इसको इंक्रीज करते करते लाया और अभी रिसेंटली इसका जो मेंस वन नाइन्टी थ्री है वो जो मेम्बर्स नाइन्टी थ्री है तो इसमें भी आप बहुत सारे वो चाहता है की सोशल एंड एक सोशल के अंदर भी इसका जो मेंबरशिप को बढ़ाया जा, बढ़ाया जाए इंक्रीज किया जाए ठीक है तो यूनाइटेड नेशन हैज स्पेशलाइज एजेंसीज टू प्रोवाइड सोशल एंड एक सर्विसेस यूनाइटेड नेशंस का एक स्पेशलाइज एजेंसीज़ होते हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं कि सोशल एंड एकनॉमिक सर्विसेज़ क्या कहते हैं हर कंट्री के अंदर क्या कहते हैं प्रोवाइड करता है अब क्या कहते हैं दीज ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन प्रोमोट ह्यूमन राइट्स एंड वर्क ऑन हेल्थ एजुकेशन एंड रिलेटेड एरियाज अराउंड द वर्ल्ड अब क्या कहते हैं कि जो ये जो ऑर्गन होता है ये इकोनॉमिक सोशल सो, काउंसिल का जो ऑर्गन इकोनॉमिक सोशल काउंसिल होता है ये भी एक ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का ये क्या कहते हैं कि पूरा सबसे पहले यह क्या करते प्रोमोट करते ह्यूमन जो राइट्स होते हैं उसका प्रोमोट करते हैं बढ़ावा दे देते हैं एंड सेकेंडली क्या करते हैं काम करते हैं वर्क ऑन काम करते है, है। किसी ऊपर हेल्थ के ऊपर काम करता है या एजुकेशन के ऊपर काम करते है एंड रिलेटेड एरियाज अराउंड एरियाज अराउंड वर्ल्ड वर्ल्ड के अंदर uh, जो रिलेटेड एरियाज है वर्ल्ड uh, के अंदर उन सारे एरियाज uh, 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 में ये सारे ये सारे काम वो कर देता है हेल्थ एंड एजुकेशन सिस्टम का काम ये कर देता है इसके बाद देर आर फाइव रीजनल कमीशन अब इसमें क्या होता है कि पांच रीजनल कमीशन होते हैं अब सोशल एंड एकनॉमिक काउंसिल का जो ऑर्गन है इसमें एक पांच रीजनल कमीशन होते हैं ये जो पांच रीजनल कमीशन होते हैं दीज फाइव दिस कमीशन लुक एट हाउ फॉर यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम गोइंग ऑन अब क्या कहते हैं जो पांच कमीशन uh, होते हैं वो देखते हैं कि यार यूनाइटेड नेशन के अंदर जो बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे होते हैं वो कितना दूर तक चल रहा होता है कितना सक्सेसफुली चल रहा है इन चीजों को इन चीजों के इन प्रोग्राम के ऊपर नजर रखने के लिए देखने के लिए जो पांच कमीशन होते हैं वो अपॉइंट करके रखा होता है अब क्या होता है कि डायग्नोमिक्स एंड सोशल काउंसिल्स ऑल्सो हेल्प पीपल सफरिंग फ्राम नेचुरल क्लेमिटी इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड अब दुनिया की किसी भी गुने में दुनिया की किसी भी गुने में ए, कोई भी कंट्री नेचुरल क्लेमिटीज में सफर हो गया हो नैचुरली जैसे कि या, आ, आपको हम बताएं तो नेचुरल क्लेमिटी आर्टक्विक आया हो या स्ट्रोम आया हो या वालकोनिक एवरेशन हो या सुनामी हो या जो, जोलॉजिक प्रोसेस हो इन सारी चीज ये सारा चीज क्या है कि नेचुरल क्लेमिटीज है ये इन सारी चीज से लोग सफर हो जाता है तो यूनाइटेड नेशन जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो ऑर्गेन होता है वो क्या करते हैं इन लोगों को भी क्या करते हैं हेल्प करके ये सारी चीज उनको प्रोवाइड कर देता है उस टाइम जिस टाइम ये नेचुरल क्लमिटीज वहां पे हो गया हो सफरिंग से जो जो कंट्री नेचुरल कलम से सफरिंग हो गया हो सोशल इकोनॉमिक एक्नोमिक सोशल काउंसिल क्या करते हैं उनको भी मदद कर देता Thank you.